जमशेदपुर के लोगों को नागरिक सुविधा मुहैया कराने वाली जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के कार्यालय में इनकम टैक्स ने छापा मारा है। इनकम टैक्स की 9 सदस्यीय टीम ने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कार्यालय के सभी कागजात, कंप्यूटर और हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में ले लिया है और उनकी जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो डस्टबिन घोटाला, शौचालय घोटाला और सड़क निर्माण में हुए घोटाले को लेकर ये जाँच चल रही है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के कार्यालय में इनकम टैक्स की दबिश देखने को मिली है। यहां पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। 9 सदस्यीय टीम पहुंची जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कार्यालय में और सभी कागजात, कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में इस टीम ने ले लिया है और इन तमाम चीजों की जांच की जा रही है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डस्टबिन घोटाला, शौचालय घोटाला और सड़क निर्माण में हुए घोटाले को लेकर यह जांच चल रही है। फिलहाल अभी तक कोई अधिकारी कुछ बताने के लिए इस पर तैयार नहीं हो रहा है और तमाम कागजातों, हार्ड डिस्क और कंप्यूटर्स की जांच की जा रही है। इनकम टैक्स की टीम जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के कार्यालय में और यहां पर तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है। जो डेटा सब सेव हैं सिस्टम में, कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, उन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि डस्टबिन घोटाला, शौचालय घोटाला और सड़क निर्माण में हुए घोटाले को लेकर ये जाँच चल रही है। जमशेदपुर से सहयोगी लाला जबी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जमशेदपुर का रुख करते हैं। लाला जबी, फिलहाल नोटिफाइड एरिया में छापेमारी की खबर मिल रही है, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? ये वही डस्टबिन घोटाला, शौचालय घोटाला और सड़क निर्माण में हुए घोटाले को लेकर ये रेड है या फिर कुछ और है? कि जमशेदपुर में जो यहाँ पे नागरिक जो सुविधा मुहैया करने वाले सरकारी कार्यालय जो है, जमशेदपुर का नोटिफाइड एरिया जो साक्षी स्थित में, साक्षी में है, वहाँ पे इनकम टैक्स की 9 सदस्यीय टीम जो है जेनेसी पहुंचकर पूरे कार्यालय में जो जिस तरीके से जैसे पहुंची है वैसे हड़कंप मच गया है। काहे कि देखा जा रहा है कि पिछले दिनों जैसे जैसे यहाँ पे कई घोटाले सामने आए हैं, जिसके बाद से जो है यहाँ पे बहुत ऊपर से ही इस तरह की जो कार्रवाई करने की बात हो रही थी, चाहे वो यहाँ पे सूत्रों की बात माने तो जो डस्टिंग घोटाला, शौचालय घोटाला और सड़क निर्माण में जो घोटाला हो रहा है, इसको लेकर के जितना है जो मामला, जितने भी कागजात हैं उसे देखने के लिए जो है आज पूरा जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि इनकम टैक्स की जो यहाँ पे पूरा इनकम टैक्स की जो 9 सदस्यीय टीम पहुंच करके यहाँ पे जांच कर रही है, वो ये जो मैं यहाँ पे आशिया बता दूं कि ये पहली बार ऐसा इस तरह का जो मामला जो है यहाँ पे सामने आ रहा है, जहाँ पे जिस तरीके से नोटिफाइड एरिया में इनकम टैक्स पहुंचती है और सभी कागजात को जो है वो अपने पास रख करके पूरे जांच में जुट गई है कि कहाँ पे किस तरह का हो रहा है, जो भी ठेकेदार हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किसे कितना जो है ठेका मिला हुआ है, तो ये सारी बातों को लेकर करके इनकम टैक्स जो है आज जो जमशेदपुर के नोटिफाइड एरिया जो है साक्षी स्थित नोटिफाइड एरिया में पहुंच कर करके पूरा और यहाँ पे जांच कर रही है। लेकिन मैं यहाँ पे आशिया बता दूं कि जिस तरीके से जो 9 सदस्यीय टीम जो है इनकम यहाँ नोटिफाइड एरिया में पहुंची है, तो पूरे नोटिफाइड एरिया में हड़कंप मच गया है। हर किसी को यह है कि एकाएक बिना सूचना के इनकम टैक्स यहाँ पे पहुंची है और अपना जांच पड़ताल कर रही है। आशिया लाले, क्या ये जांच लंबी चलने की उम्मीद है? अभी भी आईटी की टीम अंदर है और काफी देर तक ये जांच चल सकती है? हाँ बिल्कुल आशिया, जिस तरीके से अभी ये कहना मुश्किल होगा कि कितने देर तक चलेगी, लेकिन अभी तक इनकम टैक्स के जो 9 सदस्यीय टीम जो अंदर गई है वो अभी तक वही है। वहीं पे मैं बता दूं कि जो वहाँ के नोटिफाइड एरिया के जो स्पेशल ऑफिसर हैं संजय जी हैं और जितने भी लोग जो हैं जो अंदर में हैं वहाँ पे, वो सब अंदर ही हैं, उन्हें अब बाहर आने की अभी इजाजत नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कब तक ये जो है ये यहाँ पे जांच चलेगा और क्या क्या इस यहाँ पे इस मामले में उनके हाथ लगता है, ये अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी भी जांच चल रही है, सभी जगह पे जितने भी वहाँ पे सारे मीडियाकर्मी पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है
पूरा कागजात जो है वो अपने कब्जे में करके पूरा जांच कर रही है। ऊपर से नीचे रूम सभी में नोटिफाइड एरिया की टीम पहुंची हुई है। चलिए नजर बना रखिए लाल सिंह, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 9 सदस्यीय आईटी की टीम पहुंची नोटिफाइड एरिया में और यहां पर अभी जांच चल रही है, तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुल्ट उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।